हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटैक एजुकेशन। अनुटैक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान पर निबंध लिखेंगे। यह हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। यह निबंध कई नामों से एग्ज़ाम में आता है। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखिए, या जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए, या जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए, किसी भी नाम से दिया होता है एग्ज़ाम में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर निबंध लिखना। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि प्रतिदिन के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से लिखेंगे आज हम जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। प्रस्तावना: जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है। भारत में यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति अपने पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में जोड़ देते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को आवास की मुसीबत तो है ही, और रोजगार इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। अब हम जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम: भारत में बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम ये हैं कि अब भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कई सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे अधिकाधिक जल, भोजन, वायु आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। जनसंख्या वृद्धि से लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे जल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लग जाती है, उनको समय पर ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में गरीबी और भूखमरी जैसी समस्या होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, कुपोषण, प्रदूषित पर्यावरण, सुविधाओं में कमी, बेरोजगारी, देश के विकास दर में कमी, महंगाई बढ़ना आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या: सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में चीन सबसे पहले पायदान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी विकासशील देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हमारा भारत सहन कर रहा है। जिस तरीके से भारत में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्षों के बाद भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, गरीबी जैसी समस्याएं जन्म ले रही हैं। अब हम जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण: जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। लोग परिवार नियोजन के बारे में ध्यान नहीं देना चाहते हैं। उनको नियोजन, गर्भ निरोधक औषधि एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी नहीं होती है। लोगों को लगता है कि परिवार ही धन है, अधिक संतानें होंगी तो अधिक कमाई भी होगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं, संक्षेप में हैं, जैसे अशिक्षा, बाल विवाह, सामाजिक दबाव, रूढ़िवादी विचारधारा, बढ़ती जन्म दर और मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हमें सभी लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए, और संतान संबंधी प्रतिबंध भी होना चाहिए। सरकार को परिवार नियोजन के बारे में सख्त कानून बनाना चाहिए। अब हम उपसंहार या निष्कर्ष लिखेंगे।
निष्कर्ष या उपसंहार। अंत में कहा जा सकता है कि बढ़ती जनसंख्या देश के विकास के लिए एक चिंता का विषय है। जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। तो गाइस, इस प्रकार हमने जनसंख्या वृद्धि पर निबंध को कंप्लीट किया बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।